राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा श्री हरिदास। और नवरात्रि वीडियो सीरीज का डे 4 यानी कि माता कुष्मांडा का दिन, नवरात्रि के चौथे दिन माता के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। और जो माता है वो कुष्मांड पर बैठी हुई है, इसीलिए इनको कुष्मांडा कहा जाता है। माँ का स्वरूप बहुत ही सौम्य है। माँ ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है और माँ की 8 भुजाएं हैं। एक हाथ में कलश है, चक्र है, पुष्प है, त्रिशूल है, कमंडल है और भी काफ़ी सारे अस्त्र माता ने धारण किए हुए हैं। माँ का जो प्रिय रंग है वो हरा रंग है। माँ को आप हरा रंग, इस दिन आप हरे रंग का वस्त्र आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। अगर आप अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो आप हरे रंग की चीज़ों का प्रयोग अपनी पूजा में आप जल्दी से ज़्यादा प्रयोग कीजिए हरे रंग का। खुद भी आप हरे रंग के कपड़े पहनकर पूजा कर सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी काले रंग का प्रयोग आप ना करें। और जिस दिन माता कालरात्रि का दिन होता है उस दिन आप नीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए आपको नवरात्रि के दिनों में, क्योंकि जो काला रंग होता है वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि काला रंग माँ काली को प्रिय है, ये बात सच है। लेकिन जो लोग साधनाएं करते हैं वो लोग काला रंग पहनकर पूजा करते हैं, और गृहस्थ लोग या जो लोग साधनाएं नहीं कर रहे हैं वो लोग लाल रंग का प्रयोग ज़्यादा करते हैं या ऑरेंज कलर का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो आपको माता को हरे रंग के फूल चढ़ाने हैं। आपको हरे रंग में वैसे तो फूल नहीं मिलते हैं, लेकिन जो आजकल मार्केट में हाइब्रिड प्लांट्स हैं उनमें आपको ग्रीन कलर के फ्लावर्स ईजिली मिल जाएंगे। तो आप माँ को हरे रंग के फूल चढ़ाएंगे। माँ का जो भोग है वो मालपुए का है। माता रानी को मालपुए का आप इस दिन भोग लगाएं। तो ये माता का कुष्मांडा की जो है वो सरल सी पूजा है। और 2 माँ के मंत्र हैं, ओम कुष्मांडाय देवे नमः, आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थितार्थ नमस्तस्य 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 नमो नमः। इन मंत्रों का आप 108 बार किसी भी मनोकामना के चलते जाप कर सकते हैं। और डेफिनेटली माता रानी 9 दिनों में आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि माता रानी 9 दिनों में आती ही इसीलिए हैं कि वो हमारे सब दुख और सुखों को सुनकर उनका निवारण कर सकें। बाकी इसके पहले भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ अलग अलग दिनों के पूजा के, और आगे भी करता रहूँगा पूरे 9 दिन के। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए ज़रूर जुड़े रहिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। और बाकी नवरात्रि के मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है छोटे छोटे वीडियोस बनाने में। राधे राधे।